अरे भैया, ये मीटू ट्रेंड तब से इंडिया में आया है जब से इसने बस क्या बताएं आग ही लगा दी है। और उस आग से धुआं इतना निकल रहा है कि उससे कईयों के करियर तबाह होने की कगार पर है, और कईयों के तो लगभग करियर खत्म हो भी चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौधरी और आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और हम बात करेंगे इसमें मीटू ट्रेंड की वजह से अब तक जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, या फिर यूँ कह लीजिए उसके करियर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। मी टू में जब से कंगना रनौत ने और विकास बहल के साथ काम करने वाली उन्हीं की एक कोलीग ने उन पर आरोप लगाए हैं, तब से विकास बहल, जो कि बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक थे, उन्होंने क्वीन जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी और उनकी झोली में आगे भी आने वाली सुपरहिट फिल्में ही थी और बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में थी, उनकी उन सभी प्रोजेक्ट से छुट्टी हो गई है। दरअसल में बात यह हुई, जैसे ही कंगना रनौत ने बताया कि विकास बहल कैसे उनको सेट्स पर अनकंफर्टेबल फील कराते थे, और उससे पहले भी विकास बहल के खिलाफ उन्हीं की कोलीग ने एलिगेशन लगाए थे, तो इसके तुरंत बाद ही ऋतिक रोशन, जो उनके साथ सुपर 30 फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट को आगाह करा दिया कि वो विकास बहल के साथ काम नहीं करेंगे। ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर भी कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके खिलाफ ऐसे संगीन आरोप है और वो इस चीज़ का दोषी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्री का माहौल सेफ करें और ऐसे लोगों के साथ वो बिल्कुल भी काम ना करें। ऋतिक रोशन के इस कदम की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी हो रही है। और जब ऋतिक रोशन आगे आ गए तो हमारे हर चीज़ में आगे रहने वाले प्यारे रणवीर सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। रणवीर सिंह, जो कि विकास बहल के साथ कपिल देव की बायोपिक 83 में काम कर रहे थे, उन्होंने भी विकास बहल को टाटा बाय बाय बोल दिया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो भी ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करेंगे जिसके खिलाफ ऐसे संगीन आरोप हैं और वो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और वो उनको ऐसा फील कराते हैं और महिलाओं को सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। इसके अलावा उनके दोस्त कहे जाने वाले अनुराग कश्यप ने भी हाथ खींच लिए हैं और अनुराग कश्यप ने भी उनकी अपने आने वाले प्रोजेक्ट से छुट्टी कर दी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस मीटू ने भैया विकास बहल का करियर तो डुबो दिया है, और ऐसा डुबोया है कि एक बार बुलबुले उठकर ऊपर भी आता दिखाई नहीं दे रहा है। मी टू कब तक चलेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि मी टू चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर एक जगह आग लगती है तो 10 जगह धुआं निकलता ही है। और अब सबको रह रह कर याद आएंगी कि उनके साथ इंडस्ट्री में किसने बुरा करा था, और अब तो ये ट्रेंडिंग भी है, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और भैया, जिन जिन ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए ना, चाहे वो 70 साल का भी हो रहा हो, उसकी हालत पतली है इस टाइम। इस मी टू ने तो बिल्कुल सत्यानाश करके रखा है उन लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कांड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी लेता हूँ आपसे विदा इस वीडियो के लिए। फिलहाल इतना ही, आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देश दुनिया बॉलीवुड और तमाम मनोरंजन खेलों के बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।